नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एमपी स्पीच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। लखनऊ के सबसे बड़े मॉल लुलू मॉल का इसी 11 जुलाई को सीएम योगी ने उद्घाटन किया था। यहाँ हर दिन करीब 1 लाख के करीब लोग पहुँच रहे हैं। हर तरीके का वहाँ पे प्रोडक्ट मौजूद है, हर ब्रांड वहाँ मौजूद है, इम्पोर्टेड ब्रांड, इंडियन ब्रांड, सभी ब्रांड वहाँ मौजूद है। कुल मिला के एक अच्छा मॉल वहाँ पर स्टैंड किया है लखनऊ में। और अब अचानक से व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है जिसमें मॉल के अंदर कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाए गए हैं। इसको लेकर के काफ़ी सारे रिएक्शन हो रहे हैं और तमाम हिंदू संगठन जो हैं काफ़ी नाराज़ हैं कि अगर मॉल में नमाज पढ़ी गई आइंदा से तो वो वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही जी हैं। सचिन जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। सचिन जी, जी बहन जी, प्रणाम बहन जी, नमस्कार बहन जी। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बहन जी, सुन पा रहा हूँ जी। तो ये जो सब चल रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या है ये? बहन जी देखिए, मॉल के अंदर जो योगी जी ने 11 जुलाई को इसका उद्घाटन करा है और उसके बाद जो नमाज ये पढ़ी गई है, जो वीडियो ये वायरल हो रहे हैं, अब इसे किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं। जो मेरा मानना है कि योगी जी ने उद्घाटन करा है इसलिए नमाज वहां पढ़वाई गई है, केवल और केवल योगी जी की छवि को क्या ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि उस मॉल का उद्घाटन योगी जी ने किया है तो इसलिए वहां पे नमाज पढ़ी गई है। तो कई एंगल है और मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीके से ये नमाज एक पब्लिक प्लेस पे आप पढ़वा रहे हो तो क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है देश के अंदर? क्या आप ये प्रयास कर रहे हो कि नमाज पढ़वा के पब्लिक प्लेसों में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पे भी सार्वजनिक जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसके बावजूद मस्जिदें बनी है नमाज पढ़ने के लिए, घर पे भी आप अपने स्थान में पढ़ सकते हैं, तो फिर पब्लिकली क्यों? क्या मतलब, क्या मैसेज इस तरीके का देना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं उसकी अवहेलना ये विधर्मी करेंगे इस तरीके से करके नमाज पढ़ के? और अगर ये लोग नमाज पढ़ेंगे वहां पे ऐसे मॉलों पे, सार्वजनिक प्लेसों पे, तो ठीक है, हिंदू भी जो है काफी संख्या में हिंदू संगठन भी है, समाज के लोग भी हैं, हम भी जाके जहाँ रेस्टोरेंटों में और जगह जब जाया करेंगे हम लोग भी, तो हम भी वहां हनुमान चालीसा जो है करेंगे, सुंदरकांड भी हो सकता है, 1 घंटे का क्या दिक्कत है? पर उसमें ऑब्जेक्शन, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे जो है विचारधाराओं की सरकार है हमारी, हमें लगता है कि योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा 22 करोड़ की जनता को जो है इतना अच्छा पिछले 5 वर्ष से चला रहे हैं, तो हो सकता है इन लोगों को कहीं ना कहीं विधर्मियों को दिक्कत है इस चीज से। और मेरा मानना तो यह है कि जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा पूरे प्रदेश में, आप देखिए कि एक तरीके से कह रहे हैं कि भय विधर्मियों में, मैं कह रहा हूँ भय हिंदू समाज के अंदर है। संख्यक इतने बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हिंदू समाज जो है, मैं कह रहा हूँ, इतना जागने के बाद, इतना जागृत होने के बाद भी आज भी हिंदू समाज को एक तरीके से डर का और भय का माहौल बनाया जा रहा है इस तरीके से जो है खुलेआम नमाज आप क्यों, किस लिए कर रहे हैं? अगर ऊपर वाले को आप मानते हैं तो उस तरीके से मानिए ना, जैसे हम लोग अगर कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं मंदिर में कर रहे हैं, कहीं अगर सार्वजनिक स्थल पे भी कर रहे हैं तो अनुमति लेते हैं प्रशासन की, उसके बाद कार्य करते हैं। आप बिना अनुमति के उस काम को करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? क्या आवश्यकता है मॉल के अंदर? इतने लोग वहां आ रहे हैं, उन लोगों को क्या इन नमाज पढ़ने से, ये सब चीजें करने से क्या डरा, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि हमारा ही आपका ही धर्म है और कोई जो और लोगों के धर्म है, भाई आपका सिख समाज, सिख भी, हिंदू भी, सभी, तो क्यों इस तरीके की भावनाएं आप जो है खिलवाड़ कर रहे हैं? तो मेरा तो मानना यह है कि इसमें आगे का इंतजार नहीं करना चाहिए। हिंदू महासभा के कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मॉल का बायकॉट किया जाएगा, वहां से सामान खरीदने के लिए मना किया जा रहा है, क्या कहते हैं इस पे आप? बहन जी, बॉयकट होना चाहिए, अगर ये लोग इस तरीके से करेंगे तो करना चाहिए विधर्मियों का बॉयकट। मेरा मानना तो यह, भाई क्या क्या दिक्कत क्या है हम लोगों को? अगर ये लोग अपनी इस तरीके की छोटी मानसिकता अगर देश के अंदर लगातार बना के रखेंगे तो विधर्मियों के खिलाफ क्या करेगा हिंदू, बताओ, करना पड़ेगा।
भाई मजबूर तो यही लोग कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे ना मॉल के अंदर, हम तो जाके वहां पूजा पाठ का और इस तरीके का कोई जिस तरीके की भूमिका बना रहे हैं, हम तो नहीं किसी को डरा रहे अपने, ये भैया भगवान शंकर है हमारे उनसे डरो या श्री राम से डरो, हम डर का माहौल पैदा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो है जो हमें सनातनी है, हम जो सिखाया गया उसी उसी पच्चीनों पर हम लोग चल रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है बहन जी कि इसके अंदर अगली बार क्या करेंगे हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। इन्होंने अब किया है, करंट की स्थिति जो देखी जा रही है उसके अंदर इन्होंने ये काम किया है ना, जो भी इनको लगा कि अच्छा किया या बुरा किया तो ये जाने, लेकिन हमारे हिसाब से ये मैसेज जो है बहुत गलत है और बड़ी निंदनीय बात है, इसका पूर्ण विरोध होना चाहिए। और भविष्य में भी ऐसा कहीं पे भी ये ऐसे कोई परिणाम, मैं कह रहा हूं अगर ये लोग करते हैं तो उसका इसी तरीके से जवाब इन्हें भी दिया जाएगा। और मैं कह रहा हूं कल का अंजार नहीं, आज ही जितने भी लखनऊ के अंदर मैं कह रहा हूं जितने भी लोग हैं सिंधु समाज के लोग हैं वो अभी पहुंच जाए, देखते हैं प्रशासन रोकता कौन, इन्हें क्यों नहीं रोका गया। हम कह रहे हैं जितने हिंदू समाज के लोग हैं जाए वहां पे जो है हनुमान चालीसा, मॉल के अंदर घुसे ना तो मॉल के बाहर बैठ के करें, करें इस काम को, आवश्यकता है बाहर आने की घरों से निकल के करना चाहिए, विरोधपूर्ण अभी करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि अगली बार ये करेंगे, अगली बार क्या करेंगे छोड़ो, इन्होंने अब किया है तो अब हमें मुंह तोड़ जवाब इस तरीके के घटनाओं का देना पड़ेगा। बीजेपी को अगर छोड़ दे तो कुछ पार्टीज ने ये कहा है कि देश का सबसे बड़ा मॉल है ये लुलु मॉल, और मुस्लिम समाज के व्यवसायी ने इसे लखनऊ में मनवाया है, और अगर वहां पर किसी ने इबादत कर ली है तो इसमें गुनाह क्या हो गया, ये कुछ लोगों ने इस पर बवाल खड़ा कर दिया है, ये उन लोगों का कहना है, आप क्या कहते हैं इस पे? आप मेरी बात सुन पाए हैं? बहन जी राजनीतिक लोग राजनीतिक बात करेंगे, मैं अगर हम अपनी बात करें तो हम समाज जी सुन पाए हूँ, राजनीतिक लोग राजनीतिक बात करेंगे, और मेरा मानना है हम समाज हित में काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ समाज की बात करनी है, कौन क्या कह रहा है, कौन राजनीतिक व्यक्ति किसके फेवर में बोल रहा है, किससे अलग बोल रहा है, हमें केवल और केवल समाज दिखाई देता है और समाज के हित में बात करता है, आगे भी करते रहेंगे। हमारा मानना यह है कि जिस तरीके की घटना है उस तरीके को वाकई में इस बात को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई आदेश ऐसा पारित करा जाए कि पब्लिक प्लेस पे कोई भी इस तरीके का अगर कोई कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गलत मैसेज जा रहा, बहुत गलत छवि खराब इसमें जो है सभी पूरे समाज को जो है हम लोगों को झटका लग रहा है इस घटना से। योगी जी ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तो उन्होंने पहले से ही कहा हुआ है। नहीं बहन जी अब कहने की बात नहीं है ना, अगर किसी चीज का पालन नहीं होगा, अब प्रशासन भी अगर शासन प्रशासन कुछ कह रहा है और उस चीज को नहीं मानेंगे, हम खुद इस चीज को देखते हैं कि हम लोगों को अगर हम भी कुछ गलत कभी कभार कर देते हैं तो हमारे खिलाफ भी प्रशासन मुकदमे लिख देता है, चाहे वो सच्चे हो झूठे हो, लेकिन हमारा कहना है जो वाकई में हो रहा है तो उसके उसके खिलाफ भी तो होना चाहिए ना कुछ ना कुछ, ऐसे तो ये लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा, इन धर्मियों को करते रहेंगे उस काम को। कुछ हिंदू संगठन ये भी कह रहे हैं कि उसके मालिक जो है वो यूसुफ अली है, मींस वो दूसरे समाज से हैं, इसलिए उन्होंने ये उनको सहूलियत दी कि वो वहां नमाज कर सके, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल हो सकता है, उन्हें शायद ये लगता हो कि भाई इस तरीके का कृत्य करवा कर और अधिक से अधिक विधर्मी उस मॉल को जो है अच्छे तरीके से आए भी वहां पे, और एक तरीके से ये ऐसा भी हो सकता है कि ये मॉल को जो है अच्छी अच्छी खासी पब्लिसिटी देने के लिए स्टंट करवाया गया हो। तो मैं तो कहता हूँ अगर मॉल के जो मालिक हैं अगर उनका भी इसके अंदर पूरी जांच हो इस घटना की, वीडियो फुटेज सब चीजें जो लिंक देखे जाए किसने करा किसके कहने पे करा, मैं तो मानता नहीं है कि ये अचानक इस तरीके से हुआ हो। योजना का हिस्सा अगर इसके अंदर मालिक भी इन्वॉल्व है तो मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई क्यों कराया गया, क्या पब्लिसिटी स्टंट बनाया है क्या इस चीज को, आप तो इस एंगल से भी जोड़ के देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय को भी, और गंभीरता से लेना चाहिए इसके अंदर पूरे, मैं कह रहा हूँ खाली उत्तर प्रदेश के नहीं 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदू समाज की एक तरीके से अवहेलना हो रही है। अगर इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे उन्हें आप खुलेआम छूट दोगे तो वो तो कहीं भी पड़ेंगे, कहीं भी चलेगा ये सब चीजें। एक आखिरी सवाल और है, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो सब मुस्लिम हैं और जो महिला स्टाफ है वो हिंदू समाज से है, तो मतलब जो जो वहाँ रेशो है उससे उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले दिनों में, क्या कहते हैं आप?
बहन जी कोई समस्या नहीं आएगी, और ऐसी जगह नौकरी करने से अच्छा है हम खुद विड्रॉ कर दें। जितनी भी वहां हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, और अगर हमारा भाई भी है तो तुरंत छोड़ देनी चाहिए आज अभी इसी वक्त नौकरी। और एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं देश भर में कमी नहीं है, बहुत एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे सरकार कर रही है, और जब भी अगर उन्हें लगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी व्यवस्था कराएंगे उनकी, जहां कहेंगे जिस सैलरी पे वो है उससे अच्छी सैलरी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, वो अपने रिज्यूम और बायोडाटा दें, हम लोग उन्हें एडजस्ट कराएंगे। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि और बाकी आप उनको उनको आप एम्प्लॉयमेंट देंगे। काफी बेरोजगारी है इस समय, और आपने ये बात जी कही है कि आप उनको रोजगार देंगे। मतलब किस तरीके से? जी देखिए, पहली बात तो यह है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो जो सरकार कर रही है इंटरनली वो चीज नहीं दिखाई देती है, सिर्फ ये दिखाई देता है कि बेरोजगारी है। मैंने केवल इस मॉल की बात करी है, ऐसा कृत्य अगर कहीं होता है और हमारे हिंदू समाज के महिलाएं या पुरुष कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह होता है तो उसको तत्काल समाज हित में, पहले अपने धर्म के हित में इस काम को करना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए नौकरी। क्या वो दोबारा इस तरीके कृत्य को वहां देख पाएंगे? इस तरीके से जो है नमाज पढ़ी जाएगी तो ऐसे बार बार, फिर जब पता है कि कहीं पे हम लोगों का उत्पीड़न हो सकता है तो क्या नौकरी करनी? हो सकता है कुछ और भी घटना उन लोगों के साथ घट जाए, उससे पहले विड्रॉ करिए आप। कि जितने भी इंप्लॉय वहां पे हिंदू समाज के होंगे उनकी व्यवस्था सरकार करेगी, या हम लोग जहां हमारे एफर्ट्स होंगे हम लोग उनको लखनऊ में या जहां भी उनको उचित सैलरी वहां मिल रही हो, कहीं और बहुत सारी जगह ऐसी हैं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन खाली एम्प्लॉयमेंट की, उससे हम लोग उस चीज को दोबारा देखने के लिए अगर वहां जमे हुए रहे तो ये लोग, ये तो हमारे भी समाज के और धर्म के अंदर ना, ये फिर गलत मैसेज है इस चीज का, मैं वेट करें दर्शकों अगर को एक उस चीज चीज का। बता दूं, आपके नोटिस में ये वाली बात होगी कि जो लुलु मॉल के जो मालिक हैं यूसुफ अली, वो काफी मतलब मदद करते रहते हैं लोगों की। और एक भारतीय नागरिक को बचाने के लिए उन्होंने ब्लड मनी के तौर पे 1 करोड़ रुपया भी दिया था। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मतलब उनके दिमाग में कोई ऐसी बात हो कि जिस तरीके से बातें सुनने को मिल रही हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए मैं कह रहा हूं, समाज सेवा जो उन्होंने करी, कहीं डोनेट करा क्या करा, विषय वो नहीं है। अच्छी बात है, सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, उन्होंने करा बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी को ठेस पहुंचे किसी चीज से, ऐसा काम भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। एक तरफ हम समाज सेवा कर रहे हैं और एक तरफ अगर हमारे प्रीमिसेस में, वो मॉल उनका बनाया हुआ है तो उनके प्रीमिसेस के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके बढ़ावे से हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा उनके बढ़ावे से तो उन्हें भी सख्त रवैया अपनाना चाहिए इस चीज को लेकर कि भाई मेरे प्रेमिसेस में जो मैंने बनाया है वहां पब्लिक प्लेस पे पब्लिकली इस तरीके से आप कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। नमाज पढ़ना ये सब चीजें गलत है, जब जो चीज बनी है ना पब्लिकली क्यों पढ़ रहा, तो गलत है मेरा मानना है, सचिन मैं जी, पूर्णतः आप विरोध बहुत करता शॉर्ट हूँ। नोटिस में आप मेरे शो में आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मेरे दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और चर्चा में। जय हिंद, जय भारत। जी बहन जी, जी बहन जी, भारत माता की जय। जय बहन जी, नमस्कार, प्रणाम।